नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग के दोस्तों सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 186 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि रोम ROME को मोर MORE लिखा जाता है, तो डेयर DARE को कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा, सिंपल भाषा में समझा दूं, ये रोम को ना दोस्तों मोर लिखा है, तो उसी प्रकार से दोस्तों डेयर को हम क्या लिखेंगे। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों तो आप क्या करेंगे, अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। रोम में कौन कौन से अक्षर हैं, R है, O है, M है, E है, और मोर में देखिए दोस्तों इसमें भी वही अक्षर से मौजूद है, ROME मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। देखिए यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों, अक्षरों का स्थान परिवर्तन किया गया है। यानी कैसे स्थान परिवर्तन किया गया है, हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, अक्षरों को इधर को उधर करके लिखे, स्थान परिवर्तन करके लिखे, तो सिंपल तरीका होता है आप इसे ऐसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 हैं। अब देखिए M कितने पे है दोस्तों, 3 पे है, तो इसको क्या लिख दिया, 3 पहले लिख दिया। उसके बाद O दूसरे पे है, तो फिर क्या लिखा, 2 लिखा, ठीक है। आगे देखिए, R पहले पे है, तो पहला लिख दिया, E चौथे पे है, तो चौथे लिख दिया, समझ रहे हैं। यहां पे क्या किया है, 3, 2, 1, 4 कर दिया, 1, 2, 3, 4 को 3, 2, 1, 4 कर दिया। तो यहां पर भी क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही करिए, 1, 2, 3, 4 ही है, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, 3, 2, 1, 4, तो 3 पे कौन सा अक्षर है दोस्तों, R है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 2, देखिए उसके बाद 2 पे क्या है, A है, ठीक है, समझिएगा। फिर उसके बाद क्या है, 1 है, 1 पे कौन सा है दोस्तों, D है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 4, 4 पे कौन सा अक्षर है, देखिए 4 पे है E, तो इसका आंसर क्या होगा, RADE, देखिए RADE किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर C में है आपका, ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहां पे है दोस्तों संख्या गायब, यहां पे, तो यहां पे कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, देखिए 2, 3, 4, 24, 39 क्वेश्चन मार्क, 20, 30, 40। तो देखिए यहां पे अब आप ये देखेंगे संख्याएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, यानी संख्याओं में क्या किया जाए कि यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं दोस्तों, यहां पे 2, 3 करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। 24 और 39 से करके यहां पे कुछ अभी हम सोच नहीं सकते, और 20 और 30 से दोस्तों करके यहां पे सोच नहीं सकते हैं। अगर यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाए लेकिन तो आंसर गलत हो सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा देखिए, प्रश्न को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जब क्वेश्चन मार्क यहां पे है तो आप ये भी देख सकते हैं, यहां पे 39 कैसे आया, यहां पे 24 कैसे आया, यानी कि 2 और 20 को भी आप कुछ करके दोस्तों 24 ला सकते हैं, 3 और 30 को करके 39 ला सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आसान है, समझिएगा, यहां पर 2 और 20 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 22 होगा, 24 नहीं होगा। अगर मैं बोलूं दोस्तों, इस 2 को क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए,
वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, और चार और दोस्तों 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 होगा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से इस 3 का दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 में दोस्तों 30 जोड़ेंगे, यानी 30 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 39 होगा, देखिए 39 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 में दोस्तों क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे, यानी 16 और 40 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यानी 56 होगा, क्या होगा, 16 और 40 जोड़ेंगे तो 56, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 56 होगा। देखिए 56 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, अपने आप से भी प्रयास जरूर करिएगा सॉल्व करने का। दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, पुरुष पिता और इंजीनियर के बीच। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, जब कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन एग्जाम में है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन शब्दों पे विचार करेंगे, पुरुष पिता और इंजीनियर पे, यानी कि इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष कौन होता है, पिता कौन होता है, तो पिता दोस्तों जो होगा वो पुरुष के अंतर्गत आएगा। इंजीनियर कौन होता है दोस्तों, कुछ पिता भी इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं। तो देखिए इसको सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूं डायग्राम से बना के, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए ये पुरुष का सर्कल हो जाएगा, और इसके अंतर्गत क्या आएंगे, पिता, क्योंकि सारे पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर कौन होता है, तो कुछ पिता दोस्तों इंजीनियर होते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे, यानी कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, कहने का मतलब है कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए ऐसे किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वहां पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पर दोस्तों मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। देखिए ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं, कैलेंडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि माह की पांचवी तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखिए यानी कि कौन सी तिथि होगी, मतलब कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है पांचवी तिथि को मंगलवार है, ये तो बोल दिया दोस्तों 5 को मंगलवार है, बोल रहा है माह के तीसरे शुक्रवार, तो पहले देखेंगे पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, 5 को दोस्तों मंगलवार है तो 4 को दोस्तों बताइए क्या होगा, 5 को मंगलवार है तो 4 को क्या होगा, सोमवार होगा, 3 को दोस्तों क्या होगा, रविवार होगा, 3 को क्या होगा, रविवार, 2 को क्या होगा, शनिवार, 1 को क्या होगा, शुक्रवार। तो पहला जो शुक्रवार होगा वो दोस्तों पहली तारीख को हो रहा है। देखिएगा आप पीछे जाएंगे, अगर पीछे नहीं मिलता पहला शुक्रवार तो अब हम क्या करते, आगे बढ़ते, तो यहाँ पे पहली तारीख को क्या हो जा रहा है, पहला शुक्रवार हो जा रहा है, और यहाँ पे कह रहा है माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो पहला शुक्रवार पहली तारीख को, दूसरा शुक्रवार के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 7 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 7 जोड़ेंगे 8, दूसरा शुक्रवार 8 को हो जाएगा, तीसरा शुक्रवार कब होगा, 8 में 7 दिन और जोड़ दीजिए, 8 से 15 को क्या होगा दोस्तों, आपका तीसरा शुक्रवार होगा। और यहां पे कह रहा है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 3 दिन बाद कह रहा है, यानी कि चौथे दिन की बात कर रहा है, यहां पे बोले कि तीसरा दिन कौन सा होगा तो हम 3 दिन जोड़ेंगे, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे बोल रहा है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन
तीन बाद कौन सी तिथि होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 में आप चार दिन जोड़ेंगे, यानी चौथा दिन कौन सा होगा, तो 15 में चार जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 19 तारीख। कौन सी तिथि होगी दोस्तों, 19 तारीख होगी। देखिए 19 तारीख किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, जो नए स्टूडेंट है अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए कौन से अक्षर कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि लव एल ओ वी ई को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम सी ओ एम ई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहने का मतलब है एल दोस्तों कितने नंबर पे आता है बताइए, एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे। ये सब क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। भी कितने नंबर पे आता है, तो भी 22 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई आपका 5 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में जोड़िए, 12 15 27 और 27 में दोस्तों ये जोड़ेंगे क्या, 27 में क्या करेंगे, 22 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 22 49 और 49 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 54। देखिए जोड़ के भी आप देख सकते हैं क्या होगा, 54। और यहाँ पे लिखा क्या है, 27, तो 54 को हम 27 कैसे कर सकते हैं, इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो होगा क्या दोस्तों, 27 होगा कि नहीं, आप देख लीजिए, जोड़ के भी देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा और भाग करके देखिए, 27 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, आप कम के लिए भी कोड करेंगे, क्या करेंगे, कम के लिए कोड करेंगे। तो देखिए सी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है। एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे आता है। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। इन सबको जोड़िए, 3 और 15 18, और 18 में दोस्तों जोड़ेंगे 13 तो 31 होगा, और 31 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। तो इसे भी क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 36 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 18, यानी कम का कोड क्या होगा दोस्तों, 18 होगा। देखिए 18 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर क्या करना है सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, रीजनिंग का पार्ट नंबर 185 देख लेंगे, पार्ट नंबर 185 के क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 185 में इसको फुल डिटेल में समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 185 आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहां पे ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 185 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इसी बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इसी बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।